नमस्कार, मैं हूं कमलदीप सिंह। आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। आज हम बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश सेंसेस की। आज की मेरी ये वीडियो उन इंग्लिश लर्नर के लिए हैं जो अभी बेसिक लेवल पे हैं, जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो डेली इंग्लिश सेंसेस पार्ट 1, जिसमें हम आई एम के साथ शुरू होने वाले इंग्लिश सेंसेस की बात करेंगे। वैसे तो आई एम का प्रयोग हम इंग्लिश सेंसेस में बहुत ही अलग अलग ढंग से करते हैं, जैसे कि आई एम के साथ किसी और शब्द का गठजोड़ कर हम अपने बारे में बताने के लिए प्रयोग करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हम आई एम का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं खुद कमाता हूँ। आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। आई एम नर्वस, मैं बेचैन हूँ। आई एम लीविंग माई जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर हम आई एम के साथ गुड एट का प्रयोग करते हैं तब हम ये बताना चाहते हैं हम किसी काम में बहुत अच्छे हैं, हमें वो काम करने में मज़ा आता है, हमारा इंटरेस्ट है उस काम में, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आइए एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। आई एम गुड एट स्टडी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट, मैं खेल कूद में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम्स में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में बहुत अच्छा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हम आई एम के साथ गेटिंग का प्रयोग करते हैं तब हम ये बताना चाहते हैं हमारे साथ कुछ होने जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव वे में है चाहे फिर वो नेगेटिव वे में है। आइए एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे जुकाम होने जा रहा है। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने जा रही है। आई एम गेटिंग ए जॉब, मुझे जॉब मिलने जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आई एम के साथ अगर हम ट्राइंग टू का प्रयोग करते हैं तब हम ये बताना चाहते हैं हम किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट, मैं अपना वेट कम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं जॉब लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई मदर, मैं अपनी मदर को कॉल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आई एम के साथ हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए हम नेक्स्ट मोमेंट या वेरी नियर फ्यूचर कुछ करने जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्लान है, रिसोर्सेज है, बस हम नेक्स्ट मोमेंट या नियर फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हैं। आइए एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रन अ मैराथन, मैं मैराथन में दौड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक स्विम क्लासेस, मैं स्विम क्लासेस लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन एक्सेंट एंड प्रोनंसिएशन, मैं आपको एक्सेंट और प्रोनंसिएशन के ऊपर लेक्चर देने जा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आई एम के साथ हम प्रयोग करें हेयर टू, इसका मतलब है हम किसी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक काम करने के लिए आए हैं। आइए एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। आई एम हेयर टू वॉच अ मूवी, मैं यहाँ पे मूवी देखने आया हूँ।
I'm here to take an exam. मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ. I'm here to apply for the job. मैं यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए आया हूँ. सो दोस्तों, ये था आज का लेसन डेली इंग्लिश सेंसेस जो आई एम के साथ शुरू होते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस. अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल नंबर फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी जो चैनल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. धन्यवाद.